भाई ये क्या हुआ? मतलब दो गाड़ियां देख ली, एक ये ट्रैक्टर पड़ा हुआ है, पीछे गाड़ी भी थी। अब जल्दी गेम बंद कर अगर चाहिए तो, 2 मिनट का टाइम है बस। हो गया हेलो गाइस, तो स्वागत है तुम लोगों का एक और नए व्लॉग में, या फिर मैं कह सकता हूँ पहले व्लॉग में, क्योंकि पहली बार मैं व्लॉग कर रहा हूँ। बट तुम लोग सोच रहे होगे रीजन क्या है, मैं व्लॉग क्यों कर रहा हूँ पहली बार। देखो, एक तो तुम लोगों को चाहिए थे व्लॉग, तो मैं कहा क्यों ना व्लॉग करता हूँ। बट अभी होली आ रही है और मैं जा रहा हूँ घर पे, तो मैं सोचा क्यों ना मैं अपने घर पे सबके लिए कुछ ना कुछ लेके जाऊँ। देखो, मैं ज्यादा कभी किसी को गिफ्ट वगैरह दिए नहीं है, बट मेरे को लग रहा है मैं गिफ्ट वगैरह दूंगा तो अच्छा लगेगा। एंड इसी बहाने तुम लोग मेरे घर वालों से मिल लोगे, और हमारे साथ ये भी जा रही है क्योंकि देखो भैया के लिए तो गिफ्ट मैं ले भी लूंगा, बट दीदी के लिए और मम्मी के लिए चूज करने के लिए कोई तो लड़की लगेगी, क्योंकि मेरे को ही लग रहा है मैं चूज कर पाऊंगा। ओके, तो अभी हम लोग घर से तो निकल गए हैं। एंड पता नहीं यार, मेरे को ये व्लॉग थोड़ा सा अजीब सा करने को लग रहा है। देखो, पहली बार कर रहा हूँ तो आई गेस स्टार्टिंग में रहेगा थोड़ा सा, ऐसे पब्लिक में कैमरा वगैरह निकाल के रिकॉर्ड करना है यार थोड़ा सा अजीब, पर धीरे धीरे आदत हो जाएगी मेरे को लग रहा है तो। हाँ भाई, मेरे को कभी कभी गाड़ी चलाते हुए ऐसा गेम वाली फीलिंग आती है कि GTA खेल रहा हूँ और ऐसा 50 की स्पीड पे एकदम गाड़ी वाड़ी चला रहा हूँ। 50? हाँ, 50 ही चल रही है भाई। गाड़ी कर दी है पार्क। आ चुके हम लोग मॉल। मैं सोच रहा हूँ पूरा मॉल खरीद लूं मम्मी के लिए। ओके, सो मैं अभी भैया के लिए कपड़े चेक कर रहा हूँ। भाई, इतने सारे कपड़ों में कैसे चूज करते हैं मेरे को नहीं समझ आ रहा है। ओके, तो मैंने भैया के लिए तो ले लिए कपड़े, अभी बारी आती है दीदी की। देखो, ये लिया है मैंने कुछ, इसके अंदर मैं तुम्हें नहीं दिखा सकता, वो तुम्हें बाद में रिएक्शन के साथ ही दिखाऊंगा मैं। ये वाली सेम है ना, नीचे वाली जैसी, इसका ब्रांड उससे अलग है। 6.5 hours later Okay, so अभी हम लोगों ने गिफ्ट वगैरह तो सारे ले लिए हैं, वैसे अभी सिर्फ मैं बचा हूँ। संस्कृति जा चुकी है, यहाँ पे नहीं है वो, क्योंकि देखो रात हो चुकी है और वो हॉस्टल में रहती है तो। हाँ भाई, देखो मैं कल जा रहा हूँ तो पेट्रोल डलाना तो बनता है, क्योंकि इसमें थोड़ी सी बची हुई है और मेरे को सुबह सुबह ऐसा पेट्रोल पंप मिलेंगे भी नहीं। ओके, सो अभी मैं पहुंच चुका हूँ, अभी बस एक काम बचता है मेरे को, ये सारे गिफ्ट तुम्हें दिख नहीं रहे होंगे, शायद दिख रहे होंगे, मेरे को ये सारे रैप कराने हैं भैया, ये गिफ्ट रैप करने हैं। ओके, सो अभी मैं घर पे आ चुका हूँ, सब कुछ पैक करा लिया मैंने, इसको इग्नोर मारना, ये मैंने अभी पी है। ये देखो, अबे एक और है भाई। मैंने 2 ले ली थी यार, मेरे को, मैं दिन भर से कुछ खाया नहीं है, तो अभी मेरे को सुबह निकलना है तो मैं जल्दी सो जाऊंगा ताकि मेरी सुबह जल्दी नींद खुल जाए, नहीं तो पता लग रहा सुबह निकल गई और मैं निकल भी नहीं पाया भाई, पूरी मेहनत वेस्ट हो जाएगी मेरी। ओके, सो अभी बज चुके हैं सुबह के 5 और जाने का टाइम हो गया है, लिफ्ट भी आ गई हमारी, और देखो मैं अकेला नहीं जा रहा हूँ, हमारे साथ जा रहे विशाल, जिसको तुम जानते नहीं होगे, ये मेरे बचपन की सबसे बड़ी गलती है, बेटा नहीं बता रहा, दोस्त बता रहा हूँ एज अ दोस्त। ओके, तो अभी हम लोग निकल चुके हैं एंड अभी दिखा रहा है यहाँ पे 3 घंटे लगेंगे हमें एटा पहुंचने में। बट देखो, सबसे मजे की बात क्या है मैं तुम्हें बताता हूँ, कि मम्मी को पता ही नहीं कि मैं आ रहा हूँ। मैंने बोला है मैं कल आ रहा हूँ, बट लेकिन मैं आज जा रहा हूँ, तो ऐसा उनको सरप्राइज सा होगा कि मैं एकदम से आ गया। भाई, हमने पहला टोल क्रॉस कर लिया है, अभी हम बहुत ज्यादा पास आ गए, 2 घंटे की रास्ता रह गई है। विशाल, कैसा लग रहा है घर पे पहुंचेगा तू? मस्त लग रहा है, फीलिंग नाइस, बैक टू होम। भाई, ये क्या हो रखा है? अबे 2 गाड़ियां देख ली, एक ये ट्रैक्टर पड़ा हुआ है, पीछे गाड़ी भी थी। भाई, मेरे को अब लग रहा है डर, मैं आराम से चलाने वाला हूँ। ये तो आज कल में ही हुआ है ना? और क्या, ये एक्सीडेंट करने के बाद लेके नहीं जाते क्या? 1-2 दिन तो पड़े रहता है, फिर गाड़ी वाड़ी हट जाते हैं, हटा देते हैं उसको, सब कूड़े वूडे में ऐसा वो कर देते होंगे ना, कबाड़े में, और क्या, या फिर जिसका होता है वो ले जाता है हॉस्पिटल से आगे। भाई क्या ही बताओ, उसकी जान पे आई हो, ये तो प्रैक्टिकल करके देखना पड़ेगा। और क्या, कौन लेके जाएगा? तू बता, अगर गाड़ी का आऊंगा भाई, इंश्योरेंस होता है तो फिर उसमें सही होके मिल जाएगी ना। अच्छा, उठवाना पड़ेगा, तो बचे ही नहीं, फिर बचे नहीं तो फिर
मेरे घर वाले ले लेंगे, उनको पता नहीं होगा पर शायद। बाय 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 बाय। हाँ ठीक है, बाय 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 बाय। ओके सो अब मैं पहुंच गया हूँ, अब मेरे को रिएक्शन देखने को मिलेगा। ये है मेरा घर, ये वाला। अरे मम्मी कहाँ है, मम्मी कहाँ है, सरप्राइज दे रहा मम्मी कहाँ है, मम्मी कहाँ है, गाड़ी लेके आ रहा है। हाँ गाड़ी लेके आऊँ, ऊपर पेट मम्मी ऊपर है। मम्मी वीडियो चला रखी है तो मेरी वीडियो समझ आते हैं। आते हैं। हाँ। रामित बोल, अब बोल। रॉयल पास दिला दो। रॉयल पास। हाँ। इधर आ, इधर आ, इधर आ। एक बार मेरे पैर छू। पैर छू। हाँ। बस इतना बहुत है। अब दिला दो। अब सो जा जाके। देखो सही में लग रहा है, मैं तेरे को रॉयल पास दिला दो। कितने आता रॉयल पास होता? 600, 700, 800 चल तेरी मम्मी से पैसे लेके आते हैं। चल बुआ, बुआ से बोलूंगा अमित को पैसे चाहिए रॉयल पास के लिए। है रॉयल पास के लिए। अमित एक ऐसे देखेंगे तो मैं तेरे से छोटा लग रहा हूँ। हाँ। तो तेरे को मेरे को रॉयल पास दिलाऊं? ओए मैं लेट जाऊं फिर? ये ले अमित। चल ठीक है मैं तेरे को दिला दूंगा। हाँ। तू उस लड़की का नाम बता, तेरे को क्लास में पसंद है? नहीं कोई नहीं। तू बता, देख रिकॉर्ड हो रहा है, बस कहीं डलेगा नहीं, बस रिकॉर्ड हो रहा है। तू धीरे से बता। अरे तो कोई तो होगा। नहीं है। वो कौन सी थी जो पहले उस दिन बता रहा था मेरे को ऊपर? धीरे धीरे से बता दो ओए। तनिष्का। ओ भाई मेरे कान में बोला है इसने। ओके तो ये हमारा साइड वाला प्लॉट, यहाँ पे ज्यादा ही गंदे। मम्मी वहां पे क्या कर रही हो? हमारे घर पे भैंसे भी हैं, मतलब एक भैंस है। इसमें रखा है सारा सामान, मैं लेके सटक लेता हूँ। अभी तो फट गई। अबे यार भाई फट तो गया, बट मैं जैसे तैसे लेके जा रहा हूँ। सबके लिए गिफ्ट लेके आया हूँ मैं। तो मैं तो जो लिया है बता नहीं सकता, वो खोलने के बाद पता लगेगा। इसमें बताया कुछ कपड़े हैं। अमित तेरे लिए भी कुछ है? इसमें कुछ कपड़े हैं। तेरे लिए कुछ नहीं है, वैसे मजाक कर रहा था। हाँ ये बैग है। अच्छा चल मैं तेरा वाला तेरे को दे देता हूँ। ये तेरा वाला एक ही है, ठीक है, और एक ही है, दो है। अब यहाँ पे खोल के चेक करना, जैसा लगे वैसा बताइए, ठीक है? अगर बुरा लगे तो बुरा बता सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं काट दूंगा फिर ब्लॉग में, अगर अच्छा नहीं लगेगा तो। मम्मी तुम्हारे लिए भी गिफ्ट है। ये गया एक बैग। तूने एक और बैग लिया है ना अभी? हाँ, हाँ तो इतने बैग का करना क्या है? इतने तो पैसे भी नहीं रखने के लिए। बैग में फिर क्या रखना है? ओके दूसरा गिफ्ट, तुम लोग भी अभी देख रहे हो, इससे पहले मैं तुम लोगों को भी नहीं दिखाया है। ये अच्छा है, ये अच्छा है? नहीं ये वाला लाइक मेरे को बताया था कि ऐसा इंडियन कपड़े सूट वूट पे सही जाएगा, वो वाला थोड़ा मॉडर्न वैसा वाला। दे रहे कितनी रिसर्च करके लेके आया हूँ मैं। मम्मी तुम्हारे लिए भी है एक, ये वाली सबसे नीचे वाला ना, ये वाला तुम्हारे लिए। इसमें साड़ी है। हाँ चेक करो, खोल के चेक करो ना, कैसी साड़ी है? सही में अच्छी है, मन में ऐसा तो नहीं आ रहा है कैसी साड़ी है। सबको गिफ्ट दे दिया मैंने, कैसा लगा? मम्मी को अच्छी लगी? तो कैसी लगी? अच्छा लगा। हाँ अब खुशी आई है चेहरे पे। प्रिंट कैसा लगा? मस्त। अमित, अमित के पास तो कुछ है ही नहीं। ओके पापा कैसा लगा? यही साड़ी ना वहां पे एक और आंटी को पसंद आई थी, बट वो ऐसा पैसे कम ज्यादा कर रही थी। मैं अब कर दो इसको पैक जल्दी। मेरे को यही चाहिए फिर। उनको पसंद आ रही थी, मैं कहा पसंद अच्छी ही होगी तब उनको पसंद आ रही है। नहीं, अच्छी। हाँ अमित का गिफ्ट रह गया बस।
अमित तेरे काम भी ऐसे डाल दिया। अच्छा बैग भी तुमने ही ले लिया। भाई देखो मेरे को लग रहा है कि देखो सबका गिफ्ट हो ही गया है तो क्यों ना अमित। अमित नहीं नहीं अरे ऐसे ही कुछ ही बना रहा हूँ। हाँ अमित तेरे को भी चाहिए रॉयल पास? हाँ कोई बात नहीं तेरे को नहीं मिलेगा। देखो मेन मेरा रीजन यही है देखो सबको गिफ्ट मिला है सब खुश हैं तो अमित भी खुश रहना चाहिए। हाँ मैं खुश हूँ तो खुश है तो फिर ठीक है फिर तो चाहिए नहीं रॉयल पास खुश तो है ही। क्या तो खुश है कि नहीं है? हाँ खुश हूँ बहुत खुश हूँ। अच्छी बात है खुश है तो फिर रॉयल पास की क्या जरूरत है यार। अब जल्दी गेम बंद कर अगर चाहिए तो 2 मिनट का टाइम है बस। रुको कर नहीं तो मैं जा रहा हूँ बाय। बंद कर गेम बंद कर। अबे ये तो हो ही नहीं रहा दिस UPI ID isn't linked। अबे तेरे नसीब में नहीं है मेरे को लग रहा है। नहीं होगा अमित रुको हो जाएगा क्या यून सक्सेसफुल देखो ऑथेंटिकेशन हो गया हो गया हो गया हो गया यस ऑलवेज ओके वन टैप नहीं नहीं नॉट नाउ नॉट नाउ हो गया अभी होगा ही पैसे कटे हैं मैं क्यों तक एक्साइटेड हो रहा हूँ। रहने दे जमीन हिल गई है अर्थक्वेक आ रहा है। ओके दोस्तों तो आई गेस काफी ज्यादा खर्चा हो गया है मुझे लग रहा है बट ठीक है सब लोगों को गिफ्ट दिया तो उसको भी कुछ तो बनता ही था। हाँ सही बात है। ओए तू बाहर से कुछ नहीं बोलेगा ठीक है। और हाँ ये चीज मैं दिखाना भूल गया ये मेरा पहले का सेटअप था ये टेबल ये लाइट थी अब यहाँ पे ज्यादा कुछ है नहीं है और ये मेरा गोल्ड प्ले बटन ये बीच में रखा हुआ है और सिल्वर दोनों ये एंड्रयू बी का है वो एंड्रयू XT का है शायद और ये मेरी किताब है मतलब यूट्यूब से पहले इतना पढ़ता था मैं फिर पढ़ाई ने मुझे छोड़ दिया मैंने पढ़ाई को छोड़ दिया। तो एक क्विक टूर ये ऐसे करके स्टार्ट होता है मेरा रूम मतलब पहले वाला रूम तो अभी मैं घर पे आया हूँ तो इसी में रुकूंगा ऑब्वियसली यहाँ पे मैं सोया था अभी। ओके गाइस तो आई गेस आज के व्लॉग के लिए काफी ज्यादा हो गया है लेकिन मेरा पहला व्लॉग था तुम लोग बताना तुम लोगों को कैसा लगा। आई गेस अच्छा ही लगा मैंने अच्छे से बनाया यार देखो कितनी ज्यादा मेहनत करता हूँ मैं। तो यार दैट्स इट फॉर दिस व्लॉग और अगर तुम ऐसे ही व्लॉग और देखने हो तो ये व्लॉग शेयर कर दो सारे दोस्तों को और सब्सक्राइब कर दो इस चैनल को मैं तुम लोग सुनूंगा आगे और भी शानदार व्लॉग्स में तब तक के लिए बाय। मैंने स्टाइल में बंद करने का सोचा था व्लॉग।